Let's talk on a very important topic, study for 12 to 14 hours daily. Sir, ये number of hours आपने क्यों लिखा? हम तो घड़ी देखे बिना पढ़ाई करते हैं। हमको तो सुबह शाम बस एक ही चीज दिखती है कि जितनी देर पढ़ाई हो सकती है उतनी देर पढ़ाई करी जाए। बट मैं आपको बताऊं, इफेक्टिवली जब आप अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैं भले ही बहुत घंटे पढ़ रहा हूं बट मैं ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हूं। और यही आज हम चेक करेंगे कि आप कितने एफिशिएंट स्टडी आवर्स निकालते हैं और कैसे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सर, सबसे पहले बात तो मैं आपको बताऊं, ऐसे नंबर ऑफ आवर्स में कोड करना मुझे तो ज्यादा लॉजिकल नहीं लगता कि 12 से 14 घंटे पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, 10 से ज्यादा का आउटपुट निकलना चाहिए। बट यार कुछ तो नंबर लेना पड़ेगा, इसीलिए आज का ये टॉपिक रखा गया कि कुछ तो नंबर हो, कुछ तो चीज हो। बिकॉज मैं ऐसा मानता हूं कि यार नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो एक बच्चा पास हो जाता है, ये इसका कोई ज्यादा कोरिलेशन नहीं होता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर उसने प्रोडक्टिव दिन का टारगेट अचीव किया है ना, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडिंग फॉर लाइक 15 आवर्स, 18 आवर्स। वो बस एक नंबर होता है, जितना ज्यादा बढ़ाते जाओ उतना ज्यादा मैं आपका अटेंशन ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 12 to 14 आवर्स की जगह 17 आवर्स लिख देता तो आपके होश उड़ जाते, अरे भाई बताइए सर कैसे करते हैं इसको। सो इट इज जस्ट लाइक कि मैं तुम्हारा अटेंशन खींच सकता हूँ वो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाकर। पर मैं यहाँ पर सबसे पहला कांटा लगाना चाहता हूँ कि 12 to 14 आवर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या मेरा दिन का टारगेट अचीव हुआ है नहीं हुआ है, आप समझ रहे हैं। और दिन का टारगेट हर किसी इंसान का अलग अलग होता है, बट स्टिल इस टॉपिक पर आज डिटेल में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस बोलता है इस पर, मैंने जो स्टूडेंट्स को मेंटर किया हुआ है उन लोगों ने कैसे चीजें लगाकर यहाँ पर चीजें किया हुआ है उसको अपन बात करता है। सबसे पहले तो बेटा मैं एक पॉइंट लिखना हूं यहाँ पर, कंपेयरिंग नंबर ऑफ आवर्स, सीधा सीधा कहता हूं मैं सर इसको वेस्ट ऑफ टाइम। सर मतलब कि अगर मैं ये कंपेयर करने बैठूंगा ना कि कल मैंने 8 घंटा पढ़ा था, आज मैंने 9 घंटा पढ़ा और परसों मैंने अगर 10 घंटा पढ़ लिया तो मैं बहुत विद्वान बन गया, एकदम फोकट की बात है। इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम आई एम सेइंग यू। यू नीड टू डू वन थिंग दैट कि क्या मैंने जो कल टारगेट लिए थे उन टारगेट से क्या आज के टारगेट बढ़े थे और क्या मैंने उनको अचीव किया या नहीं किया, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, 12 टू 14 आवर्स की पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं मानता हूं, बट ज्यादा हम उस पर अगर अटेंशन देंगे तो इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इसके अलग अलग टेक्निक होते हैं सर। सबसे पहली एक टेक्निक होती है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी टेक्निक है बाय द वे, बट हाँ ओवर एग्जॉस्ट मत करना खुद को। एक होता है जो बच्चा अगर डिसिप्लिन है तो वो पता है क्या कर सकता है, 2 आवर्स का स्लॉट बनाओ, 2 घंटे का एक स्लॉट बना दिया जाए और उसके बाद एक 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो, 2 आवर स्लॉट और फिर 15 मिनट्स का ब्रेक ले लो। बट मैं आपको बताऊं, ये वाली जो स्ट्रेटेजी है वो बच्चा ही इसको फॉलो कर पाएगा जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी डिसिप्लिन्ड। मतलब ये समझ लो ये करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप लोगों के लाइफ में कंसिस्टेंसी नाम की चीज है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी साबित होगी। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो ना तो दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, बेस्ट यू कैन डू। आपको कुछ करना ही नहीं है, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप तू 2 घंटे पढ़ और फिर 15 मिनट का ब्रेक ले ले, 2 घंटे पढ़ और 15 मिनट का ब्रेक ले ले, भाई सीधा आज के दिन ही इसको फॉलो करने लग जाओ, तुम्हारा काम हो जाना है, आप समझ रहे हो। अगर आप डिसिप्लिन हो लाइफ में तो इसको फॉलो कर लो। देखो मैंने ऐसा नहीं बोला कि हर कोई फॉलो करेगा इसको, मैंने ये कहा कि अगर आप डिसिप्लिन हो तो आज के दिन ही बैठ जाओ और इसको फॉलो करने लग जाओ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। सर मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देता हूँ। सर एग्जाम्पल कैसा दे रहे हो आप मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप 5 AM क्लब में आते हो, अगर आप 5 AM क्लब में नहीं भी आते हो, खुद का पढ़ाई करते हो तो भी कर सकते हो। जनरली अगर मान लो मैं स्लॉट बनाता हूँ, मैं सुबह 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ूंगा, ये मेरा पहला स्लॉट रहेगा। फिर इसके बाद मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, फिर मैं यहाँ पर स्ट्रिक्टली 7:15 बजे स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे कुछ कुछ होता है ना अपना कि यार नहीं 7:17 हो गया है, 7:18 हो गया तो नहीं 7:30 से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, अगर 7:35 हो गया तो नहीं नहीं 7:45 से स्टार्ट करूंगा, वो यहाँ पर काम चोरी नहीं लगेगी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि नहीं नहीं पता नहीं कोई मुहूर्त होता है तुम्हारा 7:07, 7:30, और 7:07 को तो बहुत बार इग्नोर भी कर देते हो तुम लोग। तुम बोलते हो कि नहीं 7 बजे स्टार्ट करूंगा, या तो 7:30 बजे या फिर 8 बजे या फिर 8:30 या फिर 9, मतलब ऐसा वाला चलता है। अगर अभी मैं 10 मिनट और थोड़ा सा रुक जाता हूँ, 8 बजे सही रहेगा, या फिर 8:05 हो गया है तो आप बोलोगे 8:15 स्टार्ट करता हूँ, तो ये वाला काम इस वाली स्ट्रेटेजी में नहीं चलेगा। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मन करे या ना करे आपको उस जगह बैठना पड़ेगा। ठीक है, फिर 7:15 बजे से 7:15 और 9:15 आप फिर बैठिए
और ऐसे करके इसको कंटिन्यू करिए, फिर वापस अपन ने ब्रेक लेंगे 15 मिनट्स का। अगर नहाने का टाइम हो गया तो आप आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो, है ना। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो आधे घंटे का ब्रेक ले सकते हो। ऑफ कोर्स अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स। तो मैं वहाँ पर पढ़ाई कब से स्टार्ट कर दूंगा? सर मैं स्टार्ट कर दूंगा 9:45 से 10:45 और 11:45। वापस मैं 15 मिनट्स का ब्रेक लूंगा और वापस मैं स्टार्ट कर दूंगा 12:15 से, 1:15, 1:15। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? सर मैं या तो 15 मिनट्स या मैक्सिमम 30 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूं, उससे ज्यादा ब्रेक मैं ले ही नहीं रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं मैक्सिमम एक 15 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं या फिर एक आधे घंटे का ब्रेक ले रहा हूं। अगर मान लो आपने दिन भर में ऐसे 6 स्लॉट भी निकाल लिए, दिन भर में ऐसे 6 स्लॉट में भी आपने पढ़ाई कर ली, 6 डेडिकेटेड 2 घंटे का स्लॉट आपने पकड़ लिया, तो 6 × 2 hours, मैं आपको कह रहा हूं 12 आवर्स मोर देन सफिशियंट है, 12 घंटा मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। इस 12 घंटे में अगर मान लो आपने 3 ब्रेक ऐसे लिए जो 15 मिनट्स के थे, और अगर आपने इसमें 3 ब्रेक ऐसे लिए जो कि 30 मिनट्स के थे, तो मुझे बताओ सर 15 मिनट्स इंटू 3 ब्रेक कितना हो गया टोटल? 45 मिनट्स। सर 30 मिनट्स इंटू 3 ब्रेक कितना हो गया? 90 मिनट्स। सर 90 प्लस 45 मिनट्स कितना हो गया? मेरी बात सुनिए, यहां पर कितना हो गया सर टोटल? 90 प्लस 45 सर ये हो गया 135 मिनट्स, राइट 135 मिनट्स हो गया। सर 135 मिनट्स मतलब अपन मोटा मोटा मान के चलते हैं सर, अगर आपने ब्रेक सब लिया भी सही, 135 मिनट्स लिया मतलब कितना हो गया सर? 2 घंटा 15 मिनट हो गया, मैं इसको 2.5 घंटा भी मान लेता हूँ, 2.5 आवर्स मान लूँ, 2.5 आवर्स मान लूँ सर। तो आपने 12 घंटे पढ़ाई कर लिया है, 2.5 आवर्स का ब्रेक ले लिया है, मुझे बताओ ये टोटल कितना हो गया? सर ये टोटल कितना हो गया? 14.5 आवर्स हो गया। सर 14.5 आवर्स में मैं मान लो स्लीप ले रहा हूं, सर अगर मान लो आप अच्छे से भी स्लीप ले रहे हो 7 आवर्स का, सर कितना हो गया? 21.5 आवर्स, ठीक है। अब अगर आप जो है सुबह सुबह ना रहे हो, बात ले रहे हो, है ना, उसमें अगर मैं 1 घंटा यहां पर ऐड कर लेता हूं, कितना हो गया? 22.5 आवर्स। फिर भी यहां पर मेरे पास कितना? 1.5 आवर्स बच गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 1.5 घंटे में भी आप पढ़ाई करना, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, बट मैं आपको कह रहा हूं कि अगर बच्चा एक अच्छे से फॉलो कर रहा होगा जिसको ये चीज आती होंगी, तो मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि भैया 12 घंटा तो निकालना 2-2 स्लॉट में बहुत बेहतरीन पढ़ाई होती है बेटा इससे। अगर आप में ये लेवल का डिसिप्लिन है ना, तो आप सोचो आप 12 आवर्स डिसिप्लिन्ड वे में काम कर सकते हो। 3 ब्रेक आप ऐसे ले सकते हो जो 15 मिनट के रहेंगे, 3 ब्रेक ऐसे ले सकते हो जो 30-30 मिनट के रहेंगे, और उसके बाद भी ब्रेक के बाद भी सर आपके पास सफिशियंट टाइम है जिंदगी में। इस 1.5 घंटे में आपको फैमिली के साथ टाइम बिताना है, किसी हॉबी को परस्यू करना है, कुछ भी करना है लाइफ में कर लो। आप समझ रहे हो कैसा लगा आपको प्लान? प्लान कैसा लगा आपको? प्लान देखो बेटा, ये कहने में ना और यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करने में बहुत इजी, इतना मजा आया मेरे को इसको लिखने में, इतना मजा आया मैं बता नहीं सकता आपको, इतना मजा आया मेरे को। और मेरे को याद है जब कोई मेरे को यही प्लान बताता था, जब मैं सीए फाइनल की पढ़ाई करता था, सीए इंटर की पढ़ाई करता था, जब मैं वीडियो देखता था तो बड़ा मजा आता था, आहा क्या प्लान है रे, तू तो बहुत प्यारा आदमी है। फिर इसको मैं फॉलो करने जाता था तो पता चलता था खिसक जाती थी। बट हाँ, जो बंदा ये कर लेगा, जो ये बंदा कर लेगा ना, वो लाइफ में बहुत ही सुकून से जिंदगी जिएगा। आप सोचो तुम 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मस्त चाय पी सकते हो 15-15 मिनट में 3 बार, और एक आधे घंटे में मस्त खाना कुछ खाना है ना, सोना है, एक जो है 30-20 मिनट का नैप लेना है वो भी ले सकते हो तुम लोग। मतलब ना खुद को एग्जॉस्ट करना है, ना ही खुद को एकदम ऐसे टॉर्चर करना है। पर हाँ, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आपको शिद्दत से फॉलो करना पड़ेगा। यू नीड टू फॉलो इट लाइक कि नहीं यार ये है, मतलब है, इससे तो मैं जो है वो कर ही नहीं सकता। जब मैं 2 घंटे बैठा हूं तो सर यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट मतलब
यहां पर आपका मोबाइल नहीं होना चाहिए, आप बेड पर पढ़ाई नहीं कर रहे होने चाहिए, सर आप जो है एक्टिव वे में पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं यहां पर बैठा हुआ भी हूं कुर्सी पर एकदम ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहा हूं, ये 2 घंटे में भी ऐसे कर रहे हो तो फिर नहीं होने पाला। यहां पर पूरा 2 घंटे बैठे, मतलब बैठे हैं, आप समझ रहे हो, 2 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूं तो पूरा एक्टिव खुद को इन्वॉल्व करके कर रहा हूं। अगर नींद आ रही है तो कुर्सी को छोड़ के खड़े होकर पढ़ाई कर रहा हूं पर बिस्तर की तरफ नहीं जा रहा हूं। अगर मेरे रूम में अगर बेड है तो उस बेड को मैं सुबह ही पूरा, जैसे जो अपना ब्लैंकेट होता है और जो अपना गद्दा होता है दोनों को एकदम ऐसे कंबाइन करके और कहीं मैं रख के आ गया हूं, या फिर मैंने ऐसा कर लिया है कि उसमें छोड़ ही दिया है पलंग पर सोना, मैं तो नीचे ही सोता हूं करके एक रजाई बिछाकर। ये वाला आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अगर आपको इसको फॉलो करना है, एंड दिस इज द बेस्ट यू कैन डू बेस्ट। अगर मान लो किसी इमरजेंसी टाइम पर आप 15 मिनट की जगह 17 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो मान लो ये साथ आपने यहां पर 15 मिनट की जगह जो है ब्रेक ले लिया मान लो 18 मिनट का, ठीक है राइट, तो आपकी पढ़ाई यहां पर स्टार्ट हो जाना चाहिए 7:18 AM से। ऐसा नहीं कि नहीं 2 मिनट बात करूंगा 7:20 इज अ गुड टाइम, ऐसा कुछ नहीं, 7:18 से 8:18 और 9:18 तक आपकी पढ़ाई चलनी चाहिए, आप समझ रहे हो। और देखो ये मैंने आपको मैथमेटिकली समझा दिया है कि बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और जब आप, मैं डिस्ट्रेक्शन फ्री की बात कर रहा हूं तो बेटा मैंने शॉर्ट्स नहीं देखना है, शॉर्ट्स नहीं देखना, रील्स नहीं देखना, ये बहुत ही एकदम जो है ना बहुत ऐसी बातें कर रहा हूं जो बहुत नॉर्मल है। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स विल नॉट मेक लाइफ सॉर्टेड एंड रील्स आर नॉट द रियल डिपिक्शन ऑफ लाइफ। मैं ये बार बार आपको एक बात समझाता हूँ कि आप प्लीज इसको डिस्ट्रैक्शन फ्री मानिए। अच्छा एक चीज और मैं आपको कहता हूँ कि सर वैसे जो कर पाएगा वो बढ़िया होगा, जो ये 15 मिनट का ब्रेक लोगे अगर मान लो, या फिर ये जो 30 मिनट का ब्रेक लोगे, इस 15 मिनट और इस 30 मिनट के ब्रेक में भी आपको ट्राई करना है कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा जो अगला 2 घंटा है उसमें मेरा मन ना लगे। जैसे मान लो पता चले तुम इस 15 मिनट में एक तुम्हारी फेवरेट वेब सीरीज आई उसका तुम एक एपिसोड देख मारो, इस 30 मिनट में बोले 30 मिनट का ब्रेक है भैया क्या करूं, एक मस्त वीडियो देख मारता हूं जिसके वेब सीरीज आ रही है ना, ऐसा कुछ देख मारता हूं ना, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन वाली किसी वीडियो देख ली। अगर आप बहुत डिसिप्लिन है तो आप रिस्क ले लेना, लेकिन जिसका माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, जिसको एडिक्शन होता है थोड़ा सा, वो प्लीज इसमें मत करना। वो आप पता है कहां करना, वो आप इस पूरे 1.5 घंटे का जो आपको एक बड़ा स्लॉट मिले ना उसमें करना। आप समझ रहे हो कि यार मेरा 15 मिनट ऐसा वेस्ट ना हो जाए जिसकी वजह से मेरा अगला 2 घंटा रिस्क पे आ जाए। उस 15 मिनट में आप कोई म्यूजिक सुनना चाहते हो आप म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन करना चाहते हैं मेडिटेशन करिए, चाय पीना चाहते हैं चाय पीजिए, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो कुछ भी मत करिए, आप समझ रहे हो। और अगर थोड़ा सा कंट्रोल आ जाए आपको कि यार थोड़ा बहुत मैंने रील्स देखा और उससे मेरा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन उतर रहा है, तो आप रील्स देख लीजिए, आप तारक मेहता के एपिसोड देख लीजिए, जो आपको ऐसा लगे डोरेमोन देख लीजिए, मिस्टर बीन देख लीजिए, आप समझ रहे हो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। लेकिन ऐसा कुछ मत करिएगा जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं यार इसमें ज्यादा मजा आ रहा है, इसको 15 मिनट की जगह अब मैं 1 घंटा ब्रेक लेता हूं। ओके समझ में आई बात, तो ये मेरे लिए बेस्ट, मैं आप समझता हूं दिस इज द बेस्ट वे टू डू योर 12-14 आवर्स का पढ़ाई, ठीक है। जब एक्सट्रीम सिचुएशन आएगा तो इस 12 घंटे की जगह 13 घंटे भी होने लगेगा। एक स्टॉप वॉच खरीद सकते हैं, छोटा सा स्टॉप वॉच आता है, जब जैसे ही पढ़ने बैठे उसको दबाओ और चेक करो कि कितना घंटा मैंने पढ़ाई किया हुआ है। अच्छा ये तो बात हुई वो डिसिप्लिन वालों के लिए, है ना, बेटर बेस्ट वही होता है बेटा, है ना, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है वो सबके बस की बात नहीं, तो मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ और नॉट डिसिप्लिन, सर इतना गंदा लग रहा है नॉट डिसिप्लिन पर जो भी है यही है। मेरे को ऐसा लगता है फिर जो डिसिप्लिन नहीं है वो सिंपल सी बात है, वो बैठो कुर्सी पर बैठो, कोई ऐसा 2-3 घंटा मत लगाओ, कुछ भी मत करो, एक स्टॉप वॉच ले लो, स्टॉप वॉच लो। अच्छा फोन को तो हमेशा ही दूर रखना है, बोले सर फोन भी इंक्लूड करो ना सर, ऐसा कुछ हो जिसमें प्रोग्राम जिसमें 1-2 रील भी देख रहे हैं पढ़ाई, बेटा वो नहीं हो सकता है, नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। पर आप एक काम करिए, आप जो है एक मस्त कुर्सी पर बैठिए, एक टेबल पर बैठिए इत्मीनान से, थोड़ा सा वो वाले माहौल में कि पढ़ाई हो जाए, और एक स्टॉप वॉच लीजिए और उस स्टॉप वॉच को दबाइए, आप दबाइए जैसे ही पढ़ाई करने बैठे। अब आप मुझे ये बोल रहे हो कि मैं 2 घंटे नहीं बैठ पाऊंगा, बीच में खुजली होगा तो हो सकता है मैं 1 घंटे में उठ जाऊं, 40 मिनट में उठ जाऊं, है ना, 45 मिनट में उठ जाऊं, हो सकता है कभी कभी 1.5-2 घंटे पढ़ लूं, ऐसा मतलब मैक्सिमम तो 1 घंटे में उठ जाओगे तुम लोग। तो सर उस केस में आप स्टॉप वॉच जैसे ही आप बैठो, when you start study
प्रेस ऑन ऑन प्रेस ऑन किस चीज पर? स्टॉप वॉच पर. एक स्टॉप वॉच मिल जाएगी या फिर आप अपने फोन में भी यूज कर सकते हो, बेटर है आप कोई स्टॉप वॉच खरीद लो तो बेटर. व्हेन यू स्टॉप स्टडिंग, व्हेन यू टेक अ पॉज, या फिर आपका मन नहीं कर रहा और आपको खुजली हो रही है उठने की, आपको एकदम ऐसे उठ जाऊं, यहां पर लिखो पॉज. ठीक है, और ये कंटिन्यू आपको दिन भर करना है, ये आपको कंटिन्यू दिन भर करना है. यू नीड टू डू दिस दिन भर, और वो डिसिप्लिन से करना. अगर आप 15 मिनट बाद भी पढ़ाई करके उठ गए तो वो स्टॉप वॉच पर लगना चाहिए. और ये चीज आपको दिन भर फॉलो करनी है, मतलब एटलीस्ट इतना तो करना ही पड़ेगा ना, भले ही डिसिप्लिन नहीं हो लेकिन इतना तो कर ही लोगे ना तुम लोग. यार जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठा, मैंने स्टार्ट किया, जैसे ही मैं उठा पॉज कर दिया, और वो स्टॉप वॉच दिन भर चलेगी आपकी. जब एंड ऑफ द डे मैं एक चार्ट बनाऊंगा, और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा और इसे अपने स्टडी टेबल के सामने इसको मैं लगा लूंगा, जिसमें मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल आज की डेट हुई है ये, डेट हुई है ये वाली. सर यहां पर मैंने प्रोडक्टिव आवर्स का चार्ट बनाया और यहां पर मैं लिखूंगा कितने घंटे. फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो 7 आवर्स ही आपके प्रोडक्टिव हुए, तो यहां पर बिना शर्म के लिख देना 7 घंटा. और हर दिन इसको मुझे लिखना है नेक्स्ट डे, और ट्राई करना है इसको बीट करने की, इसको बीट करने का ट्राई करना है. और ये हर दिन कंसिस्टेंटली आप करते जाओ, 5 से 10 दिन के बाद आपको शर्म आने लगे कि यार किसी दिन यहां पर 2 घंटा लिख के आ रहा है, किस दिन यहां पर 1 घंटा ही लिख के आ रहा है, किस दिन यहां पर 5 घंटे ही लिख के आ रहा है, तो आपको अंदर से ऐसी शर्म आने लगे कि भाई क्या कर रहा है तू. ठीक है, वो प्रोडक्टिव आवर्स बहुत कम होते हैं बच्चे, तुम करने बैठोगे ना तो तुमको खतरनाक दिमाग खराब हो जाएगा, है ना. जब एक्चुअली सिचुएशन पता चलेगी ना जिंदगी में, अरे भाई मैं तो 4 घंटे ही पढ़ रहा हूँ यार. सो डू दिस, अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो, एंड यू विल रियलाइज द सिचुएशन. आपको टारगेट बस एक ही चीज का करना है. टारगेट क्या करना है, मेरे को ये लास्ट पिछले दिन का बेंचमार्क को तोड़ना है. आई जस्ट नीड टू क्रैक द बेंचमार्क ऑफ प्रीवियस डे. आई जस्ट नीड केयर, इसको मेरे को तोड़ना है. अच्छा, आप अगले दिन 2 घंटे को मत तोड़ना बेटा, जो बेस्ट है एटलीस्ट 8 घंटा 10 घंटा तो पढ़ना. पता चले अगले दिन 1 घंटे ही पढ़ रहा हो तो बोले सर अब तो 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लेता हूं. ऐसा नहीं, ये तो तुम्हारा खराब दिन था. ठीक है, एक कॉलम आप और भी बना सकते हो. ठीक है, क्या गुड, बेटर, बेस्ट, जिसमें आप अपने हिसाब से चीजें रख सकते हो कि अगर मैंने मान लो 8 घंटे ही पढ़ाई करी है ना, तो इसको आप गुड दे दीजिए. आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आप इसको बेटर दे दीजिए, 12 कर रहे हो तो बेस्ट दे दीजिए. ऐसा करके खुद को मोटिवेट भी कर सकते हो. ठीक है, कैन यू कैन डू दैट. और बाकी जो ये वाला काम कर रहा है भाई, उसको तो लोड ही नहीं है जिंदगी में. ओके, सो ट्राई करिए आप इस वाले पोजिशन पर आने का. लेकिन अगर आप इस पर नहीं आ पाए तो कम से कम यहां पर तो आइए. ओके, यहां पर तो आप एटलीस्ट आने की कोशिश करिए. आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको बेटा? पढ़ाई कंसिस्टेंसी से ही करने से रिजल्ट आते हैं. कभी 1 घंटा पढ़ाई करना, कभी 2 घंटा, कभी बहुत ज्यादा, कभी कम, उससे रिजल्ट्स नहीं आता. एक चीज है डिसिप्लिन. देखो पढ़ाई में मौत आती है मैं समझता हूँ, मन नहीं लगता मैं समझता हूँ, बट वही है कि जो करता है उसको रिजल्ट आते हैं. आपको भी पता है, अगर आपने कहीं पर क्लास 12th दिया हुआ है, सीए फाउंडेशन दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, अगर आपको रिजल्ट्स आया होगा तो आपको एक चीज पता होगा कि मैंने हाँ शिद्दत से पढ़ाई किया हुआ था. ICAI या फिर इंस्टीट्यूट हमारी ऐसी कोई देवता नहीं है जो मेरे को बस ऐसे भीख में रिजल्ट दे देगी. मेरे को पढ़ाई करनी है, और डिसिप्लिन वाली पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा. मुझे बताओ आपको समझ में आया क्या कि कैसे मेरे को ये अचीव करना है? ठीक है, एंड अगेन आई एम सेइंग नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर, स्टिल डजंट मैटर, बट हाँ एक हमारा चेक पॉइंट होना चाहिए कि यार हाँ मेरे टारगेट्स अचीव हुए हैं. ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें आप ये भी फॉलो कर सकते हो. अच्छा, ये वाला चार्ट तो दोनों कैटेगरी के बच्चे बना सकते हैं, डिसिप्लिन वाले भी और अनडिसिप्लिन वाले. इसमें एक और चार्ट बना लो, क्या मेरा टारगेट अचीव हुआ? टारगेट अचीव्ड, यहां पर आप लिखो. अगर मान लो सारे टारगेट अचीव हो गए तो आप 100% लिख दो, अगर नहीं हुए तो 80% लिखो, अगर बहुत बेकार है तो 20% लिखो. You can do this as well. But हाँ, follow करो disciplined way में, आपको चीजें समझ में आने लगेगी. समझ में आई क्या? देखो यही है, इसको follow करिए, इसको अच्छे से manage करिए, और ये बहुत important है बच्चे. और जब तुमको पता है कि अब तुम self study कर रहे हो, अब बैठना एक जगह पर और करना बहुत अच्छा है. अच्छा, एक ये भी रहता है कि सर घर पर पढ़ाई करूँ या library में जाऊँ? जहाँ पर पढ़ाई होती है वहाँ पर करो. Simple. जहां पर पढ़ाई होती है वहां पर करो, घर पर पढ़ाई होती है घर पर करो, लाइब्रेरी में पढ़ाई होती है लाइब्रेरी में चले जाओ. लेकिन यही है, बस पढ़ाई होनी चाहिए, एक ही मकसद, पढ़ाई होनी चाहिए.
अगर आपको ऐसा लगता है लाइब्रेरी में बैठ के मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ तो बेफिक्री चले जाओ, 1000-1500 रुपए मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? चलो, बहुत बढ़िया, शानदार, धुआंदार।